हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज 4 बजे से सुबह के बारिश पड़ रही है, पड़ते पड़ते अब 6 बज गए हैं। अब तो थोड़ा मौसम खुलासा हो गया है। और इनके मैंने कल शूज़ धोए थे, शाम धोए थे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, तो शाम धोए थे मैंने। और फिर मैंने रात को बारिश का मौसम देखा, फिर मैंने उठा के रख दिए थे यहीं पर, क्योंकि फिर ये है कि गीले वगैरह ना हो जाएँ। और यहाँ पे देखो, मैंने अम्ब्रेला यहाँ पे टांग रखी है, जिससे अगर मैं बाहर जाऊँ, मुझे कुछ काम हो तो लगा के चले जाओ। तो अब बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। अब ब्रेकफास्ट में कुछ अलग बनाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, सबका मन है खाने के लिए। तो अब जाके ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय। आज बारिश का मौसम था तो हमने पकौड़े बनाए हैं। दीदी के मम्मी रख के लेके जा रही हैं। मम्मी आप भी खा लेना, बना लिया। और ये और रह रहे हैं सीखने के लिए, अभी तो एक बार ही सीखे हैं। ज़्यादातर ना करारे करारे होते हैं ना, ऐसे रेड रेड से, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कच्चे कच्चे से अच्छे नहीं लगते थोड़े से। तो मैं ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा सेक लेती हूँ जिससे टेस्टी लगें। चाय वगैरह भी बना के रख लिया पहले ही, अब मैं सबको दे और देती हूँ। साफ कर दिया नया नया, चिपकली चिपकली देख तेरे साथ ऊपर। बोरी बोरी मिल गई, ये लिए लिए ली क्या पेश आपको पिछली बार सफाई अभियान चला रखा है इसने। करेंगे सफाई, ऊपर की हो गई थी तो नीचे की करने लग गए। ये क्या आई है? रैबिट। इन्हें हद दिन टेढ़े कर दिया, सही लाए लाके। क्यों? तब भी सफाई करती है ना, इनके साथ ही छेड़ करेंगी। अरे मम्मी ये फेंक दे, ये निकाल भी सकते, बहुत पुराने हो गए। ये देख गमला, अम्बा फेंक दे, बहुत मेहनत कर रही है ना पुराने। अम्बा सुन लो क्या कह रही है। क्या? बहुत मेहनत लग रही है। ये वाले, ये मम्मी ने बनाया है, बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। और ये मम्मी क्या है? नाव, नाव पानी में चलाओ अच्छी लगेगी। फ्लोवर भी लगा रखे हैं, मम्मी ने बहुत मेहनत से बना रखी है, इसलिए तो मैंने रख रखी है। कौन सी है? क्या ये छोटी है? वो बड़ी है, मम्मी वो बड़ी है, वो ज्यादा अच्छी लग रही है। ये सही है, है ना? कर दिया के ये टैटी भी मम्मी ने बना रखा है, बना के लाई थी। और ये मेरी पुरान बचपन की फोटो, मम्मी की बचपन की फोटो। कैसे दे गई है? अच्छा तोड़ तोड़ के दे दिया मैंने। क्या तरस है इसका? वो भी बना रखा था, वो फेंक दी सारी चीजों को। बाद मुश्किल आता है। हाँ देखो, नेहा दीदी तो भग गई कली को देख के, मम्मी साफ कर रही है यहाँ पे। और देखो सफाई करने से तो एक गई, और यहाँ बैठ के पता नहीं क्या खिला रही है इसको, अपने टैडी को। ओ इसके चश्मा भी लगा दिए, दिखाओ। वाओ अपना वाला लगाया है मम्मी वाला, ये वाला। ओहो सारी चीजों को देख रही है। मेरे बचपन को मेरा माँ चलाई थी। आपके नाम का है ये तो? और दूसरा दूसरी मम्मी बता रही थी तो काफी पुरानी है आपकी। हाँ। पापा जी कावड़ वगैरह लेने गए थे, तब लेके आए थे। लेके आए थे 5-6 साल होगी, और 10 रुपीज की आई थी। और तक मेरे मम्मी ये छड़ी सी, ये सब की टूट गई, मैं थी हाँ, मतलब उसमें ही लाया था ना जब भाई, तो सब मेरे साथ जो लाई थी सबकी टूट गई, मेरी ना टूटी। 10 रुपीज की बस यार। और अब तो आएगी 30-40 के आसपास की। हाँ। अपने बचपन की सामानों को देख रही हैं, जो भी पहले इनके साथ खेलती थी ये। मेरे पास बहुत गनी गुड़िया हो गया। और ये तो साफ हो गए हैं, ये और रह रहे हैं। अब इनको सबको साफ करने के बाद फिर हम लगा देंगे। मम्मी देखे
चश्मा लगा दिया इसके यार इसके चश्मा लगा है। मम्मी पंखा साफ कर रही है और सही है, बार बार इनको ढूंढनी भी पड़ती है, मिलती भी नहीं है कहीं जाए तो। सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है इसका ही हो। मम्मी ने बनाई थी जुत्ती सेट, मम्मी मन कहते ही मैं ड्रेस के साथ पहन लूंगी। इनको तो बहुत अलग अलग तरह की, जैसा भी कलर का पहनो ना ऐसी। गाइस देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये मम्मी ने बनाई थी खुद ही सारी जुत्ती। मैंने भी बना रखा है ऐसा, पर मेरे गांव में रखा है, बड़ा है पर वो इससे भी। इस वाले कमरे की सारी सफाई हो गई है, अब उस वाले की करेंगे। और दीदी को देखो, बस एक कमरे की सफाई करने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने लग गई। गर्मी है बहुत ज्यादा तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई हुई है। और मम्मी जी पियेंगी ये छोटी सी लिमका कोक के साथ पियेंगी। बोतल से ही ओहो। और आप क्या खाओगी इसके साथ? खा लो, डाल के पहली रख ली। दीदी और ये और अम्मा जी खाटू श्याम जा रहे हैं मुझे छोड़ के। क्यों जा रहे दीदी, मुझे भी लेके चलो। अगली बार ले चला। हाँ तैयार होके चल दिए सारे के सारे। अम्मा जी भी जा रही हैं गाइस, और ये भी जा रहे हैं। बस घर पे मैं और मम्मी रहेंगे, सारा काम हो गया और काम के फ्री हो गए हैं मैं और मम्मी जी। तो मैं ऊपर आई थी क्या रखने के लिए, आज मैंने ना गाइस सेवाजी की सब्जी बनाई थी इनके लिए कि ये जा रहे हैं खाटू श्याम, और जल्दी जल्दी तो इनका खाना बनाया। और तब भी बस अम्मा जी खा के गई हैं घर में, और दीदी और ये तो खा के ही नहीं गए। तो अब मम्मी ये बोल रही थी कि इसको फ्रीज में ही रखिए, क्योंकि इतनी सारी सब्जी का क्या करते, अब सारी सब्जी ऐसी रखी है, ये सारी सब्जियों को अब फ्रीज में रखूँगी। नीचे वाला फ्रीज ठीक नहीं हुआ, वो दिखाया था उसमें पता नहीं कि क्या ख़राब हो रहा उसका, तो इसलिए फिर मम्मी ये बोल रही कि इतने में ठीक कराएँगे, इससे तो यही ठीक है, और फिर दो दो का क्या करते। पर ये थोड़ी परेशानी सी रहती है, क्योंकि नीचे का सामान तो नीचे ही आ जाता था, अब बार बार ऊपर आना पड़ता है, बार बार नीचे जाना पड़ता है लेने के लिए। तो अब ये चले गए, और बस हम भी मैं भी अब ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी, और मम्मी जी अपना राम नाम लेती हैं इस टाइम। और दीदी को देखो, दीदी के ना मैंने ना कपड़े पे प्रेस करके भेजा था, रख दिया था उनका सूट, वैसे तो वो लोअर टी शर्ट ही पहन के गई हैं, और सूट मैंने रख दिया था उनका, और मैंने करी थी प्रेस उनकी। तो जल्दी जल्दी मैं ना मैं वहीं पे छोड़गी हर चीज़ को कि खाना खा के चले जाएं, और जल्दी जल्दी प्रेस करी इनका सारा काम जल्दी जल्दी तैयार किया। तो इस ब्लॉग को गाइज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑन करें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। तो सभी को बाय बाय।